भोपाल लोकसभा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए सिख समाज ने भरी हुंकार। सिख समाज की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया निर्णय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पटेल नगर स्थित एक होटल में मंगलवार को सिख समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी दिल्ली के पूर्व प्रधान एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा और राज्य मंत्री कृष्णा गौर, सेवादार सिख समाज के सरदार जितेंद्र पाल सिंह गिल, प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने भोपाल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा को भारी मतों से जिताने की रणनीति तैयार की। सभी ने एक स्वर में अपनी सहमति जताई। बैठक में दिल्ली से आए सिंह सिरसा और मंत्री कृष्णा गौर ने अपने अपने विचार रखे। भोपाल से हमारे रिपोर्टर आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। आज हमारे बहुत ही सम्मानीय गिल साहब और हमारे प्रदेश के मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौर जी की तरफ से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जिसमें हमारे इलाके की सभी सिंह सभाओं के प्रतिनिधि लोगों को बुलाया गया। हमारा पर्पस है कि जो मोदी जी का ये चुनाव है, तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने, यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जब जीत कर लोकसभा में जाएं, तो हमारे भी 100% वोट उसमें हो, हमारी कम्युनिटी भी हम फख्र से कह सके कि हमने भी इन्हीं प्रधानमंत्री जी का साथ दिया और इसी एमपी के कैंडिडेट रूप में साथ दिया है। इसलिए हम अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं कैसे मोदी जी ने 10 सालों में सिख कम्युनिटी का साथ दिया है और किस तरह दूसरी तरफ कांग्रेस के वो लोग हैं जो दरिंदे हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी का बहुत नुकसान पहुँचाया है, गुरु साहिबानों के गुरुद्वारा साहिबानों का नुकसान किया है, कौम के इतिहास का नुकसान किया है और हमेशा ही कम्युनिटी के साथ दुश्मनी रखी है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी माफ ना करें, ना कर सकते हैं, ना करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे शरारती नैरेटिव सर्जने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें यकीन है हमारी कम्युनिटी इसमें एक तरफा साथ देगी और हमारी बहन कृष्ण जी की अगुवाई में, गिल साहब की अगुवाई में हर हमारा जो सिख है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को 9 तारीख को 7 तारीख को बटन दबाकर उनको चुनाव जिताएंगे। आप जिस क्षेत्र में गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मंत्री जी का काफी सिख समाज के लिए योगदान रहा है, और इनके अभी और इनके फादर इन लॉ गॉड साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र के लिए आया हूँ, वरना तो हमारी बहन जिनको कहती हूँ उन्हीं को वोट डलती है, तो ये भी सिख समाज की है, सिख ही है, ये आदि सिख ही हमारी बहन। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी है भाई लोक शर्मा जी, वो कम से कम भोपाल से 5 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और एक एक वोट उनके गिरेगा। नाराजगियां तो सबकी अपने घर में भी चलती रहती है, पर वोट देने के टाइम कोई नाराजगी नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी को सभी वोट डालेंगे। और बहन कृष्णा गौर जी के नेतृत्व में और इनके सब सहयोगी पार्षद कार्यकर्ता मिलके हम लोग लोक शर्मा जी को सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे। बहुत खुशी है कि आदरणीय सिरसा जी के विचारों से संपूर्ण सिख समाज नई ऊर्जा से सज्जित हुआ है और निश्चित ही आज जो विचार उनके सुने हैं और जिस प्रकार का योगदान सिख समाज का इस देश के निर्माण में और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का निर्माण में सिख समाज की भूमिका जिस प्रकार से उन्होंने प्रकाश डाला है, हर एक सिख समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करेगा और आने वाली 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा। इस बार 5 लाख पार निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय होगी।